हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप बड़े चौराहे के पास से ट्रक कंटेनर में पेपर रोल के मध्य चार बोरों में 66 पैकेट अवैध गांजा, प्रत्येक पैकेट 2 किलो वजन, कुल 132 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। मौके से रमेश गुप्ता पुत्र बलभद्र गुप्ता निवासी संतोषी नगर थाना सिंधवारी जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। आज थाना मौधा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर संदिग्ध अवस्था में खड़े कंटेनर ट्रक से 132 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसमें पेपर रोल लदे हुए थे और बीच में गांजा छुपा के चार बोरियों में रखा गया था। दो दो किलो के पैकेट 66 पैकेट मिले, जिन्हें तौला गया। 132 किलोग्राम गांजा मिला। इस संबंध में एक व्यक्ति रमेश गुप्ता, जो तिंदवारी का रहने वाला बांदा का, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ पर बताया कि उसके साथ उसका दोस्त नीलेश और बबलू तथा बबलू की पत्नी, रमेश की पत्नी और नीलेश की लड़की, ये सभी लोग आंध्रा गए थे। वहाँ से इन लोगों ने गांजा खरीदा और इस ट्रक में छिपा कर लेके आ रहे थे और यहाँ पर ट्रक रोके थे। एक चार पहिया की गाड़ी तिंदवारी लेने के लिए गई थी और चार पहिया की गाड़ी लेके आ भी गए थे। कहीं सुनसान जगह पर इस ट्रक से अनलोड करके गांजे को अपने पास यहाँ ले जाना था, उसको सप्लाई करने के लिए। इसी बीच पुलिस को पता चल गया तो इनको, पुलिस वहाँ पहुँची तो ये लोग वहाँ से खिसक लिए। केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, बाकी लोग वहाँ से हट बढ़ गए हैं। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ के आधार पर फर्द तैयार की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अन्य अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 132 किलो गांजा बरामद हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से तिंदवारी के लिए ले जाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।